तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल ध्रुव और आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ध्रुव टेक में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यार कैसे आप लोग शुरुआती टाइम पे सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हुए सोल्डरिंग कर सकते हो और उसको कैसे साफ कर सकते हो। मैंने अपने यार पूरे YouTube चैनल पे बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन का अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रखा है और जिसमें बहुत सारा ही व्यूज है। मैं भी बता दूं यार, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भले डालता हूँ लेकिन मैं बहुत कम यूज करता हूँ। एज अ बिगनर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे उसको शुरुआती टाइम पे यूज कर सकते हो सेफली और उसको कैसे साफ करके रख सकते हो। तो यार आज इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप कर देखना, लास्ट तक देखना और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी सोल्डरिंग करने के लिए मेरे पास एक अभी लाइट है जो कि मेरे मोहल्ले के एक बच्चे ने मेरे को ला के दे दिया और जो हमारा केबल है यार थोड़ा सा बिखरा हुआ है ना उसका वायर, इसी कारण मैं उसको थोड़ा सा मोड़ दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा छिल चुका है यार जो हमारा वायर है ना, इसी कारण मैं थोड़ा सा मोड़ दे रहा हूँ ताकि हम लोग जब उसको सोल्डरिंग करें तो वो बाद में शॉर्ट वगैरह ना हो जाए। दोनों वायर में मैं इसको करने वाला हूँ और हमारे पास है यार एक नॉर्मल सोल्डरिंग वायर जिसमें कोई फ्लक्स नहीं है, इसी कारण हम लोग अलग से फ्लक्स का यूज़ करने वाले हैं। और सोल्डरिंग करने के लिए आप लोग बता दूं फ्लक्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये बॉन्डिंग अच्छा बना देता है। जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है यार वो यहाँ पास बहुत अच्छे से हीट हो चुका है, देख सकते हो किस टाइप का धुआं निकल रहा है ना, और जो हमारा सोल्डरिंग वायर है वो भी रेडी है ना। जो हम लोग केबल अभी यूज़ करने वाले सोल्डरिंग के लिए, तो यार सिंपल से उसको मैं पहले फ्लक्स में डुबा देता हूँ, उसके बाद जो सोल्डरिंग वायर है उसको हम लोग सोल्डरिंग आयरन की मदद से हमारे केबल में पिघला देंगे। ठीक है, जो हमारा वायर है वहाँ पास देख सकते हो जितना भी सोल्डरिंग वायर चाहिए होगा वो सोख लेगा है ना, उसके बाद हम लोग रख लेंगे। और जो सेकंड हमारा केबल है उसमें भी हम लोग फ्लक्स लगाएंगे और उसमें जो हमारा सोल्डरिंग वायर है उस वायर है उसको पिघला देंगे। ऐसा करने के बाद हम लोग डायरेक्ट यार जो हमारा लाइट है, ठीक है, जहाँ पास भी हम लोग को सोल्डरिंग करना है उसमें जाके सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो हमारा केबल है उसको चिपका देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से एक बार में हो जाएगा, जैसे हीट है मेरा अभी सोल्डरिंग आयरन इसी कारण वो ज़्यादा यहाँ पास दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि वहाँ पास अच्छे से सोल्डरिंग नहीं हुए तो आप लोग एक्स्ट्रा सोल्डरिंग वायर का वहाँ पास यूज़ करके अच्छे से उसको चिपका सकते हो। जैसे यहाँ पास जो हमारा सोल्डरिंग है वो हो चुका है, अच्छा फिटिंग है यहाँ पास, तो हम लोग अभी लाइट जल रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो हम लोग प्लस और माइनस यहाँ पास रख लेते हैं वायर को और देख सकते हो जो हमारा लाइट है वो यहाँ पास अच्छे से जल रहा है। सेकंड चीज़ हम लोग करने वाले हैं यार अभी अपने सोल्डरिंग आयरन की सफाई, तो इसके लिए मैं यहाँ पास बर्तन मांजने का जो स्क्रबर आता है उसका यूज़ करने वाला हूँ। एक मतलब बेसिक सा तार है ना जिससे कि हम जो हमारा सोल्डरिंग आयरन का रस्ट है वो निकल जाएगा। अभी आप लोग को याद रखें थोड़ा ठंडा कर लेना अपने आयरन को। और हम लोग दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग को गर्म में ही यूज़ करना है तो किसी कप में आप लोग को ये तार है उसको डाल देना और अपने जो सोल्डरिंग आयरन को उसको डिप कर लेना, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और एक तरीका और है यार हम लोग कर सकते हैं सैंड पेपर का यूज़, आप लोग को 400 नंबर 600 नंबर कोई से भी आप लोग बड़े नंबर का जो सैंड पेपर है उसका यूज़ कर लेना, जिससे हमारे जो बीट है उसमें ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आएगा और इसका यूज़ करके हम लोग अपने सोल्डरिंग आयरन के बीट को अच्छे से साफ कर सकते हैं। देख सकते हैं किस टाइप का ये होने वाला है और आप लोग को पूरा बॉडी को यहाँ पर साफ करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यार अगर आप लोग सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें भले वो सस्ता हो या फिर महंगा हो, कुछ चीज़ आप लोग को सेफ्टी पर्पज से याद रखना है कि मतलब आप लोग बता दूं कई बार जो सोल्डरिंग आयरन है वो फॉल्ट के कारण करंट भी मारता है, एक इलेक्ट्रिक चीज़ है जो कि गर्म होता है ना और इससे आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है, तो आप लोग को थोड़ा सा संभल के इसको यूज़ करना है। अगर आप लोग यार आपकी उम्र अगर ज़्यादा नहीं है तो किसी बड़े का सहायता लेकर आप सोल्डरिंग करवा सकते हो। और अगर आप लोग इसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत टाइम से भी यूज़ कर रहे हो, फिर पहले शुरू यूज़ कर रहे हो, तो कोशिश करना है यार कि आपके जो अगल बगल कोई बच्चा ना हो, क्योंकि यार ये उसका हाथ वगैरह भी जल सकता है अगर उसने गलती से पकड़ लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सोल्डरिंग आयरन है स्विच बंद करने के बाद भी बहुत टाइम तक गर्म रहता है, तो इस टाइप की चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। और यार हम लोग कम्पीट कर रहे हैं सब्सक्राइबर रेस में डी के साक्षी लिरिक्स के साथ, हम लोगों को सितंबर से पहले अपने चैनल पर 2K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करना है, जिसके लिए यार मैं अभी सब्सक्राइबर्स के मामले में आगे हूँ लेकिन व्यूज में अभी भी मेरा चैनल उसके चैनल से पीछे है। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे यार तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। और हम लोग को यार 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है सितंबर से पहले, तो थोड़ा सा यार सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप लोगों को अगर सीजी सॉन्ग्स चाहिए लिरिक्स में नया नया जो आता है ना, तो आप लोग डीके साक्षी लिरिक्स को जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।